नमस्कार, मैं श्रेया। तो इस वक्त आप देख रहे हैं गंगा विलास क्रूज पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा विलास क्रूज का विधिवत शुभारंभ करने वाले हैं। बताते चलें कि विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज MV गंगा विलास के 3 डेक और 28 सूट्स हैं, जिनमें 36 पर्यटकों को ले जाने की क्षमता है। यह भव्य क्रूज भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वाराणसी से असम डिब्रूगढ़ के बीच 3,200 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए 50 पर्यटन स्थलों को 27 विभिन्न नदी प्रणालियों से गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसी हफ्ते 13 जनवरी 2023 को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई अंतरदेशीय जल मार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास पिछले महीने कोलकाता से रवाना हुआ था और मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रामनगर बंदरगाह पहुंचा है। अपने लगभग 2 महीने के लंबे सफर के दौरान यह क्रूज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नेशनल पार्क्स, नदी घाट और बिहार में पटना, झारखंड, साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगा। गंगा विलास के चेयरमैन राज सिंह ने क्लाउन टाइम से खास बातचीत में बताया कि क्रूज की पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा का आनंद लेंगे। डिब्रूगढ़ में MV गंगा विलास के आगमन की अपेक्षित तिथि 1 मार्च 2023 है। दुनिया के सबसे लंबी नदी क्रूज पर एक दिन का खर्च लगभग 25 से 50 हजार रुपए तक है। खास बात यह है कि भारतीयों और विदेशियों के लिए टिकट की कीमत में कोई अंतर नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं चेयरमैन राज सिंह। इस वक्त हमारे साथ गंगा विलास क्रूज के चेयरमैन राज सिंह। आइए जानते हैं इस क्रूज की क्या खासियत है। गंगा विलास जो है अपने आप में बहुत यूनिक जहाज है। इसमें ये मेड इन इंडिया है, इसमें सारा इंडियन क्रू है और इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं वो हस्तकला की हैं, हाथ की बनी हुई हैं। चाहे कारपेट हो, चाहे क्रॉकरी हो, चाहे कटलरी हो, चाहे पेंटिंग्स हों और टाइल्स हैं और कलर कॉम्बिनेशंस का यूनिक प्रयोग इसमें किया गया है जो बहुत सटल है। और हमारी जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अन्नपूर्णा गैरीमाला, उनका ये कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इन रंगों को मिलाया जाए और रंग बिरंगों को ये किया जाए। हमें जानना चाहिए क्रूज ये कहाँ से चलेगा और कहाँ तक जाएगा अपने पर्यटकों को लेकर के। ये जो है ये वाराणसी से कलकत्ता होता हुआ और वो ये जाएगा ढाका, गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं, क्या आपको उम्मीद लगन नजर आ रही है इस पूरे अपने इस? नहीं, अच्छा प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने इसको जल मार्ग को विकास को बहुत गंभीरता से ले रही है और पूरा प्रयास कर रही है कि इस तरह की एक्टिविटी बढ़े जिससे कि देश को जल मार्गों का विकास ज़्यादा होगा। और ये बहुत ही उनका सरकार का बहुत ही उत्तम और लॉन्ग टर्म प्लान है और उसमें उनको कामयाबी भी मिल रही है, क्योंकि जब एक ये जहाज़ ऑपरेट हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि गंगा जी में पानी है और ये हो सकता है जैसे कार्गो हो या पैसेंजर्स हो उसमें उसको बढ़ावा मिलेगा। जहाज में क्या कुछ खास है, कुछ खास रंगों का प्रयोग किया गया है? इसमें बहुत से रंगों का प्रयोग किया गया, हर 2 कमरे जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं और जैसे क्योंकि लोग टूरिस्ट ठहरे हुए हैं तो आप रंगों को हम अंदर आपको नहीं ले जा सकते, बट आपको आइडिया होगा। ये जैसे कमरे हैं आप बाहर से देखिए, आगे जाके जो स्पा है उसका रंग अलग है, ऊपर जो कमरे हैं उनका रंग अलग है, जो लाउंज है, डाइनिंग हॉल है, उन सबका रंग अलग है। इसके चार्ज की बात की जाए, एक पैसेंजर को क्या खर्च देना पड़ रहा है एक कमरे की बुकिंग के लिए? एवरेज कर जो है वो 25 से 50 हजार रुपए के पर डे के हिसाब से कॉस्ट है। कितने दिन की यात्रा है ये? 50-52 दिन की यात्रा है। फिर ये वापस कहाँ समाप्त होगी यात्रा? ये वहाँ से आने के बाद कलकत्ता वापस आएगा जहाज, कलकत्ता के फिर ढाका जाएगा आएगा और सितंबर से फिर एक बनारस की जो है यात्रा फिर दोबारा ही चालू हो जाएगी रेगुलर बेसिस।
अभी कुल कितने यात्रियों को लेकर ये क्रूज आगे बढ़ रहा है? 31 आदमी, 31 टूरिस्ट हैं और सारे कमरे 18 कमरे उनमें यूटिलाइज हो रहे हैं, इसलिए जहाज फुल है और इसमें 40 आदमियों का क्रू है, तो पूरा क्रू और उसके होते हुए जहाज जो है पूरी तरह से स्टाफ से और पैसेंजर से फुली बुक्ड है। कहाँ कहाँ के यात्री हैं इसमें? इसमें स्विट्जरलैंड के ही सब यात्री हैं और कुछ जर्मनी के 2-3 यात्री हैं। ये रहे चेयरमैन राज सिंह, क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपको कष्ट हुआ, मैं और आपसे माफी चाहूंगा, आगे और तो कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, थैंक यू। कुल मिलाकर एमवी गंगा विलास एक यात्री को पूरे 51 दिनों की यात्रा पर लगभग 12 लाख से 25 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। एमवी गंगा विलास की बुकिंग प्रोसेस की बात करें तो आप अंतरार लग्जरी रिवर क्रूज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसके लिए टिकट बुक करा सकते हैं। अब से थोड़ी देर में यह विशाल भव्य क्रूज अपने यात्रियों को लेकर आगे बढ़ने वाला है। आप देख सकते हैं क्रूज को आगे बढ़ाने की तैयारी हो चुकी है और बंदरगाह से इसे अलग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं क्रूज की ऊपरी मंजिल में पर्यटक काफी कौतूहल के साथ गंगा की निर्मल धारा को, यहाँ के दृश्य को देख रहे हैं। अब क्रूज स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे किनारा छोड़ रहा है। गंगा विलास क्रूज अब किनारा छोड़ चुका है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस क्रूज का विधिवत शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को करने वाले हैं। ये रामनगर का बंदरगाह है जहां ये क्रूज अभी ठहरा हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आप क्रूज के ठीक पीछे देख सकते हैं इसके कर्मचारी भी गंगा की निर्मल धारा को देख रहे हैं और क्रूज के पीछे एक सपोर्टिंग बोट भी है, यानी अगर कोई खतरा हुआ तो सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया जाएगा। यह गंगा विलास क्रूज, यह भव्य काशी, दिव्य काशी, नभ्य काशी में गंगा विलास क्रूज का अद्भुत नजारा। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि यह क्रूज अब धीमे धीमे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहा है। क्रूज के ठीक आगे तिरंगा लहरा रहा है, ये भारत की पहचान है और क्रूज शान है। अब क्रूज विश्व सुंदरी पुल के नीचे से गुजर रहा है और ये धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएगा। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।